वेलकम बैक टू अनदर वीडियो मतलब अनदर एपिसोड। और आज जब हम जा रहे हैं रिटर्न, मतलब कल रात को हम लोग सोनप्रयाग से रिटर्न आ गए थे और आज हम पहुंचने वाले हैं हरिद्वार। और कल हम लोग का ट्रेन है जो हम पहुंच जाएंगे अपने घर उड़ीसा में। तो अभी का सीन ऐसा है, अभी हम लोग एक होटल में रुके हुए हैं। मतलब कल रात को दिमाग ख़राब हो गया था और दिमाग कुछ काम नहीं कर रहा था कल। वो क्यों मुझे बताता हूँ, क्योंकि कल जब हम लोग निकले केदारनाथ से, फिर हम लोगों ने सोचा कि 70 किलोमीटर 80 किलोमीटर कंप्लीट कर लेते हैं तो उसके बाद जो हम लोग होटल ले लेंगे। पर दिक्कत यह हुआ, कल एक भी होटल खाली नहीं था, सारा भरा हुआ था होटल सब। और उसके बाद जो है हम लोग को होटल मिला नहीं, हम ढूंढते ढूंढते 11:30 तक हो गया। उसके बाद हम लोगों को रास्ते में एक होटल मिला, वो भी पूरा फुल था। तो फिर हम लोगों को उसने मना कर दिया कि यहाँ पे आपको रूम नहीं मिलेगा। तो हम लोगों ने वहाँ पे डिनर किया। डिनर करने के बाद जो है हम लोगों ने थोड़ा सा जो रिसेप्शन में जो उनके जो ओनर हैं उनसे बात की कि सर कि अभी कहीं भी तो होटल नहीं मिल रहा है, तो हम लोग आपके यहीं पे डाइनिंग में हम लोग बैठ जाते हैं 2-3 घंटे के लिए, उसके बाद हम लोग निकल जाएंगे। तो भोले बाबा का इतना बड़ा कृपा है हमारे ऊपर, हम दोनों इतने लकी हैं। ओनर ने बोला जिस रूम में मैं रहता हूँ आप दोनों उस रूम में रह जाना, कोई दिक्कत नहीं है। और रात में भी कहीं यहाँ पे पहाड़ी में कहीं भी मतलब इतने जल्दी दुकान वगैरह और होटल वगैरह बंद हो जाते हैं बहुत जल्दी, तो उसके वजह से जो है आगे रूम नहीं मिलेगा उसने बोला, उन्होंने बोला। और तो उन्होंने वो अपना जो पर्सनल रूम है उसमें हम दोनों को रहने के लिए जगह दिया। तो बहुत ही क्या मतलब लकी भी बोल सकते हो या फिर ओनर भी अच्छे हैं, यहाँ के जो ओनर है उन्होंने जो है अपना पर्सनल रूम हमको दिया रहने के लिए। तो और क्या ही बोल सकते हैं। तो बस रात को दिमाग काम नहीं कर रहा था हम लोग कहीं भी होटल, मतलब रुद्रप्रयाग यहाँ पे जगह है, वहाँ पे इतना बड़ा जगह है, वहाँ पे एक भी होटल खाली नहीं है, सारा भरा हुआ है। और हाईवे में भी जितना होटल्स था सब कुछ भरा हुआ है। और कल यही सब कहानी था। तो दिमाग कुछ काम नहीं कर रहा था और वीडियो भी कल एंडिंग करना भूल गया मैं, और थकावट भी था ज़्यादा। चलो कोई नहीं, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। और बस यही है, जो होटल है पूरा वादियों के पास में, यही देखो लोकेशन, उधर जो है नदी है। तो फिर बस अभी जल्दी से जल्दी रेडी होते हैं, अभी 9 बजने वाला है, यहाँ से रेडी होके निकल जाएंगे हम लोग हरिद्वार की तरफ। और ट्राई करेंगे हरिद्वार पहुँचने के बाद वहाँ पे बैग वगैरह सब रख के हम लोग थोड़ा आएंगे ऋषिकेश। वहाँ पे ऋषिकेश में आके वहाँ पे आज गंगा आरती देखे और लक्ष्मण झूला जो है वहाँ पे बहुत फेमस है, वो जगह भी हम लोग थोड़ा देखेंगे। और बस बढ़िया है, अभी तक तो सब अच्छा चल रहा है। कल हम लोग का क्योंकि दिमाग बहुत ज़्यादा गर्म हो गया था और ख़राब भी हो गया था कि होटल्स नहीं मिल रहा, तो हम लोग नाइट राइड भी करेंगे तो यहाँ पे हम लोग को जगह नहीं पता, तो पहाड़ियों में नाइट राइड करना बहुत ही हार्ड है, इजी नहीं है। और जो हमारे जो स्कूटी है उसका थोड़ा विजिबिलिटी कम है लाइट का, तो फिर सब भोले बाबा का कृपा है, हर हर महादेव, जिन्होंने कल भी एक मुसीबत से बचाया और एक पनाह दिया यहाँ पे होटल में। तो बस अभी चलते हैं, जल्दी से जल्दी रेडी होते हैं और निकलते हैं हरिद्वार की तरफ, और ज़्यादा लेट नहीं करेंगे। तो फिर मिलते हैं रास्ते में बैग सब लेके। अभी निकल रहे हम लोग होटल से, और ये है हम लोग का ब्लू ऑर्चिड जो वो केदारनाथ रोड पे ही मिलेगा बीच में। और वो रहा अपना स्कूटी आ रहा है, अपना थर्ड पार्टनर रास्ते का, और मज़ा आ गया। और यहाँ पे वादियाँ देखो एक बार, इसी के बीच में मिलेगा आपको ये ब्लू ऑर्चिड नाम से होटल। तो अभी चलते हैं, दिन की शुरुआत करते हैं। हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो मतलब का जर्नी जो है अभी स्टार्ट हो चुका है और मज़ा आ रहा है अभी सुबह की हवा। कल भगवान ने हमको किसी तरह से बचा लिया, नहीं तो देखिए आपको आगे का नज़ारा दिखाते हैं, ना होटल ना कुछ, सिर्फ पहाड़ों की वादियों में घूम हो। यही होटल था और रास्ते पर कुछ भी नहीं है। ये देखो एक बार पीछे नज़ारे, देखो एक बार अगर कल हमको होटल नहीं मिलता तो इसी रास्ते हमको रात में जाना पड़ता। और यहाँ पे लाइट वगैरह कुछ नहीं है और इस गाड़ी का विजिबिलिटी भी अच्छा नहीं है, तो सही है जो होता अच्छे के लिए होता है।
कितना कितना बिकना ये वाला 750 वो 350। तो अभी हम लोग रुके हैं श्रीनगर में और यहाँ पे कुछ शॉपिंग वगैरह कर रहे हैं। तो ये देखो अखरोट ले रहे हैं। हम लोग जो है पहुंच चुके हैं देवप्रयाग। और कितना मिनट कंप्लीट किया होंगे, 50 किए होंगे ना, 50 के आसपास कंप्लीट किए हैं, मतलब जहां हम लोग रुके थे रात को वहां से। और अभी आपको दिखाएंगे खाना खा रहे हैं अभी, और अभी आपको दिखाएंगे खाना पहले दिखा दे, पहले खाना फिर ना, पहले बोल देता हूं अभी खाना खाएंगे उसके बाद दिखाऊंगा आप लोगों को जहां पे गंगा क्रिएट होता है। क्या क्या नदी मिलता है? अलकनंदा और भागीरथी। भागीरथी और अलकनंदा जो नदी मिलती है गंगा क्रिएट होता है वहाँ पे, अभी जाएंगे हम लोग और आपको दिखाऊंगा। उससे पहले भूख लगा था बहुत ज़्यादा, तो पहले खाना खा लेते हैं फिर आपको वहाँ नीचे जाएंगे मेरी तरफ से। अच्छा यहाँ पे तो खाली देखिए, देखो आलू का परोठा, अचार, पानी। वाह पानी और चाय भी पियेंगे। चलते हैं नीचे और आपको दिखाएंगे जहाँ पे क्रिएट होता है। तो होटल से जो हम लोग खाना खा के निकल चुके हैं और अभी हम लोग हैं देवप्रयाग ये गलियों में। ये देखो सर दिखाया मास्क और सब्जी की दुकान। तो यहाँ से जो साबाजी साबाजी की दुकान, तो यहाँ पे लिखा है नगर पालिका परिषद देवप्रयाग कार्यालय। अभी कहाँ से रास्ता है बे? अभी वही सोच रहा है, चलो रास्ते खत्म हो गया। कौन सा पूछ रहे अंकल को पूछना, चलो बोल रहा मैं मानता ही नहीं तू, चलो बोल रहा हूँ मान नहीं रहा तू। और हाँ बोलिए, ये मेरा बहुत दिनों से मन था, मतलब मेरे बकेट लिस्ट में था कि ये चीज़ मैं अपने आँखों से देखूं यहाँ पे आके, और ये भी एक कंप्लीट हो रहा है मेरा बकेट का लिस्ट। ये जी ये बकेट लिस्ट क्या होता है? ये बाल्टी वाला एक लिस्ट होता है, जिसमें एक बाल्टी होता है उसके अंदर भरा हुआ था चीज़ है जो तो पूरे, जो उसे कचरा का दाना बोलते हैं भैया जी। ये है देवप्रयाग का सस्पेंशन ब्रिज, और अगर ये देखो अगर आपको देख पा रहा होगा उस तरफ देखो, वहाँ पे जो संगम, वहाँ पे जहाँ पे दो नदियाँ मिल रहा है भागीरथी और अलकनंदा, और ये सस्पेंशन ब्रिज यहाँ पे आने के लिए फ़ोटो उठाएंगे। आप बोल दिए तो उठा ही लेंगे, और फोटो अगर देखना है इंस्टाग्राम में जाओ फॉलो करो लाइक करो और उसे डिस्कशन में लिंक मत करना, उसको फॉलो करना। देवप्रयाग का जो गली है और यहाँ से आप आओगे तो ये है संगम का घाट। तो नीचे चलते हैं और देखते हैं, मतलब बहुत एक्साइटेड था ये देखने के लिए जब से हम लोग का प्लान बना है, और इसको आज पूरा पास से देखेंगे और आनंद लेंगे। और फाइनली हम लोग जो है पहुंच चुके हैं संगम। इतना फील ले लेके भी हम लोग जगह जा रहे हैं, लेकिन फिर भी लग रहा है बहुत जल्दी जल्दी सब जगह ख़त्म हो जा रहा है। मतलब जब से प्लानिंग बना था मैं इसको बोला था यहाँ पे कहीं रुके ना रुके, यहाँ स्टे करना है, यहाँ पे रुकना है और देखना है। मतलब ये सब जो जगह है ये मतलब अद्भुत जगह सब देखने को बहुत कम मिलता है। क्या ना भाई जूता खोल ले, मैं बोल रहा हूँ तब से चलो मानता ही नहीं तू, इस तरफ आ जा। तो ये है संगम, तो मतलब यहाँ से अलकनंदा और भागीरथी जो मिलता है ना वो यहाँ पे क्रिएट होता है। ये देखो एक नंबर,
मतलब पास बहुत ज्यादा लग रहा है अभी यहां पास से आप लोगों को पता नहीं चल रहा होगा ना फास्ट है वो दोनों का दिख रहा है ना तो आप लोग यहां पास से दिख नहीं रहा होगा पर यहां का कलर देखो पानी का और एक बार यहां का पानी का कलर देखो मतलब एक नंबर ये भी एक सपना पूरा हो गया देखने का बचपन से सुनते आ रहा था और आज देख भी लिया वो अलग फीलिंग तो अभी गंगा जी के पास है तो अभी जल्दी से जल्दी हम लोग मतलब ये बैग वगैरह सब रखता हूँ कपड़े वगैरह उतारते हैं और डुबकी मारते हैं और देख के रहा नहीं आता मतलब इतने दूर से आए हैं तो डुबकी मार के चलते हैं गंगा जी में मज़ा आ जाएगा और चलते फिर लेट नहीं करेंगे जल्दी से कपड़े वगैरह उतारते हैं और बैग वगैरह रखते हैं फिर डुबकी मारते हैं अंदर फीलिंग इज बेटर सारे पाप धुल गए मेरे को लग रहा है और अच्छा लगा डुबकी लगा के मजा आ गया और मतलब बहुत ही सपना था बहुत, बहुत ही फ्रेश फील हो रहा था फ्रेश तो हो रहा है मैं जब डुबकी में पहले जब अंदर गया तब थोड़ा सा मतलब ठंडा ठंडा लग रहा था एक बार अंदर घुस गया ना उसके बाद जो फ्रेशनेस और बहुत साले से सपना था यहाँ पे डुबकी लगाने का वो भी कम्प्लीट हो गया और पाप धुल गए ऐसे लगता है जितने पाप किए थे यहाँ पे सब छोड़ के जा रहे हैं तो सही है मजा आ गया अभी चलो मैं उतर रहा हूँ तो डुबकी मार के हम लोग जा रहे हैं और फोटो का पानी लेके जा रहे हैं ये देखो हाँ और यहाँ पे आए मतलब सब कुछ काम निपटा के जाएंगे और अभी चलते हैं ऊपर कपड़ा वगैरह थोड़ा सा गीला है पर वो सूख जाएगा और ये सर ये ना रास्ता डुबकी लेने का मज़ा ही कुछ और पानी पर ठंडा था बहुत ज़्यादा ठंडा तो था लेकिन फ्रेश भी हो गया तो बस अभी चलते हैं वो जो ब्रिज आप देख रहे थे आने के टाइम आप कुछ फ़ोटो वगैरह खिंचवाएंगे और चले जाएंगे और तो भूख लग रही है तेरे को तो ना ना मेरे को नींबू पानी पीना है बस तो हम लोग निकल चुके हैं अभी हरिद्वार के लिए यहाँ पे हम लोग का मतलब प्लान था आधा घंटा रुकने का पर आधे घंटे से एक घंटा हो गया और खाना वगैरह तो हम लोगों ने खा लिया था नींबू पानी पी के निकल चुके हैं अभी और अभी हो रहा है 2:30 देखते हैं कब तक पहुँचते हैं जल्दी जल्दी पहुँचेंगे और वहाँ पर ऋषिकेश में गंगा आरती जो होता है हम लोग देखने का ट्राई नहीं हम लोग देखेंगे उसको उससे जल्दी वहाँ पहुँचते हैं वहाँ पर कोशिश तो यही है देखने का देखते आगे सब उसकी मेहरबानी चलो ट्रैफिक ही चल रहा है मतलब 5 किलोमीटर से ज़्यादा से हम रुद्रप्रयाग में ट्रैफिक था और मात्रा में और आज तो कुछ अलग ही लेवल का ट्रैफिक है एक्चुअली अभी करीबन हम लोग ऋषिकेश में पहुंच चुके हैं तो वहां पे अभी इतना ट्रैफिक इसीलिए है और हम लोग का स्कूटी का फ़ायदा देख रहे हो ना एक नंबर मतलब गली गली से निकल के चले जा रहे हम लोग आप खाली ट्रैफिक अगर देखेंगे ना वीडियो आपका 1 घंटे का चला जाएगा एक्चुअली दशहरा के चलते ट्रैफिक बहुत है अभी वीकेंड्स का टाइम है ना तो इसलिए ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है यहाँ पे ऋषिकेश में मेनली यहाँ पे अभी राफ्टिंग का माहौल बहुत ज़्यादा बन रहा है सो गाइज वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो रहा था तो मैंने इसको जो है 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है और उसके बाद जो है मैं स्टोरी आपको स्टोरी बोल देता हूँ उसके बाद जो मैंने कैमरा बंद कर दिया था क्योंकि ट्रैफिक इतना ज़्यादा था दिखाने का कुछ फ़ायदा नहीं था तो मैंने कैमरा ऑफ कर दिया और उसके बाद जो हम लोग पहुँच के गाड़ी की पार्किंग करने की जहाँ पर हम लोग गंगा आरती देख सकें तो हम लोग ऋषिकेश पहुँचने के बाद जो हम लोगों ने गंगा आरती किया है और उसका जो वीडियो नेक्स्ट वीडियो में आएगा और नेक्स्ट पार्ट है उसका मैंने बनाया है तो वीडियो आपको ये वाला कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बोलना
और सेकंड पार्ट भी बहुत ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है, तो स्टे ट्यून फॉर सेकंड पार्ट। और बस यही था, सपोर्ट करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, सब लोगों को शेयर करो। और इसका भी जो है इन्फॉर्मेटिव वीडियो आएगा, मतलब आपको कैसे जाना है केदारनाथ, क्या क्या लेके जाना है, क्या सब डिफ़िकल्टीज आएगी, तो उसके लिए स्टे ट्यून वीडियो में बने रहो। तो वो सब वीडियो भी आने वाला है, सब बैक टू बैक लाइन में है। और बस वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बोलना। फिर मिलते हैं दूसरे कैसे इंटरेस्टिंग वीडियोस में, तब तक के लिए स्टे सेफ, जय हिंद।